झोटा पकड़ के खींच खींच के भगाओ। एक मिनट। हाँ, 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 हाँ। मेरा रूक के चढ़ो लेपर। इतना नीचे गिर गई ल। सब भूला गया ल। तीन हिस्से में सब बर्च गोलबा। सोशल मीडिया पे एक फिल्म का चर्चा काफी दिनों से हो रहा था जिस फिल्म का नाम है ननद ननदाई दोस्तों इस फिल्म को दर्शक देखने के लिए काफी दिनों से उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे काजल रघवानी की ये फिल्म सच में कमाल की मूवी है और सच में दोस्तों कमाल की मूवी है पारिवारिक फिल्म है और दर्शक इंतजार करे क्यों ना क्योंकि काजल रघवानी के काफी ज्यादा मात्रा में फैन जो हैं दोस्तों ननद भूजाई ये एक पारिवारिक और फैमिली ड्रामा मूवी है इस फिल्म के छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं यूट्यूब पे अपलोड किए जा रहे हैं एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आप इस फिल्म को पूरा एक जगह कैसे देख सकते हैं दोस्तों बहुत से ऐसी फिल्में हैं जो YouTube पे अपलोड तो होती हैं बट छोटे छोटे उसके क्लिप्स अपलोड किए जाते हैं दर्शकों को पूरा फिल्म नहीं मिल पाता जिसके वजह से वो फिल्मों का आनंद अच्छे ढंग से नहीं ले पाते क्योंकि इन सारी क्लिप्स में थोड़ा टर्न और ट्विस्ट डाल दिया जाता है यानी पूरा फिल्म एक जगह नहीं दिखाया जाता और पार्ट वाइज भी नहीं दिखाया जाता कहीं से कट करके कहीं डाल दिया जाता है जिसके वजह से दर्शक जो है उनके अंदर उत्सुकता और पैदा की जाती है एंड उसके बाद दर्शक को ये मोटिवेट किया जाता है या फिर उत्सुकता दिया जाता है कि वो परचेज करके जो कि एक दंगल प्ले ऐप है वहां परचेज करके वहां पे सब्सक्रिप्शन लेके फिल्मों का आनंद लें एंड सबसे लास्ट में यूट्यूब पे फुल फिल्म अपलोड किया जाता है तो दोस्तों ननद हो जाए ये जो फिल्म है ये पारिवारिक फिल्म है और काजल राघवानी की एक बेहतरीन मूवी है इससे पहले भी काजल राघवानी की कई सारी फिल्में आई हैं और उनकी चर्चाएं भी काफी जोरों शोरों से हुई थी दोस्तों कुछ ही दिनों पहले एक फिल्म आया था जिस फिल्म का नाम था ननद जिसमें मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काजल रघवानी दिखी थी उस फिल्म की भी चर्चाएं काफी जोरों शोरों से की गई थी और आप यकीन मानिए दोस्तों उस फिल्म ने जो तीन सालों का रिकॉर्ड था वैसे तो आप जानते हैं कि आजकल जो भोजपुरी फिल्में हैं उनको यूट्यूब पे नहीं फेसबुक पे नहीं बल्कि और ना ही सिनेमाघरों में बल्कि उनको रिलीज किया जा रहा है टीवी चैनल्स पे जी हाँ टीवी चैनल पे आजकल की भोजपुरी फिल्में रिलीज हो फिल्म रिकॉर्ड उस फिल्म ने तोड़ा और एक अच्छा मुकाम हासिल किया वो फिल्म काफी सुपरहिट हुई और उस फिल्म के चहेते दर्शक जो है और बन गए एंड उसके बाद जो है दोस्तों उसी से रिगार्डिंग ये ननदाई फिल्म आई है और इस फिल्म को भी बहुत पहले ही रिलीज कर दिया जा चुका है जो कि भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पे इस फिल्म को चलाया गया था और अभी भी देखने को मिलता है और अगर आप इस फिल्म को पूरा देखना चाहते हैं तो दंगल प्ले एक ऐप है दोस्तों जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा वन नाइनटी का रिचार्ज आपको कराना पड़ेगा तीन महीना के लिए आप चेक आउट कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे अवेलेबल है हालांकि मैं ये कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियोस नहीं है मैं ऐसे ही उस बता दे रहा हूँ ठीक है

हो जाए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें इस फिल्म के स्टार कलाकारों के बारे में तो आप तो जान ही चुके हैं इस फिल्म की मुख्य जो कलाकार हैं यानी मुख्य अभिनेत्री ओ काजल रघवानी हैं मुख्य अभिनेता जय यादव हैं जय यादव को आप भली भांति जानते होंगे दरअसल उन्होंने काजल रघवानी के साथ कई सारे फिल्मों में काम किए हैं उनकी तमाम फिल्में काजल रघवानी के साथ हिट भी रही हैं जैसे कि एक फिल्म आया था दोस्तों जिस फिल्म का नाम था एक दिन की सास दरअसल उस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पे काजल रघवानी ही थी और सेकंड लीड एक्ट्रेस के तौर पे आकांक्षा दुबे थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही और आकांक्षा दुबे से रिलेटेड दोस्तों एक अपडेट आया था हाल ही फिलहाल में कि उनका करवा चौथ का वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था दरअसल समर सिंह और आकांक्षा दुबे एक समय पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे बट दोस्तों आकांक्षा दुबे स्वर्गलोक पधार गईं और दोस्तों आकांक्षा दुबे की फ़ोन की वजह से ये वीडियो सामने आया है कि ये शूटिंग का कोई वीडियो नहीं है सच में आकांक्षा दुबे शमर सिंह को पति मानती थी और इसका दावा जो है खुद आकांक्षा दुबे की माँ ने किया है तो दोस्तों ये आए थे सोशल मीडिया पे तो सोचा हम आप सब के साथ शेयर कर दें तो तीन कलाकार इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए आपको दोस्तों नज़र आने वाले हैं वहीं बात करें और सभी कलाकारों के बारे में तो दोस्तों निशा सिंह रंभा सहनी पारुल प्रिया प्रेम दुबे रीना रानी रितु चौहान अशोक गुप्ता और भी कलाकार इस फिल्म में मुख्य किरदार में दिखने वाले हैं दोस्तों भोजपुरी में तमाम ऐसी फिल्में हैं जो कि नए नए कलाकारों की मौका देती है जी हाँ इस फिल्म में भी कई ऐसे नए कलाकार हैं जिनको मौका इस फिल्म के माध्यम से मिला है भोजपुरी में काजल राघवानी एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर एक तरह के कलाकारों के साथ काम करना पसंद करती हैं दरअसल उनका कोई लोचा किसी भी कलाकार के साथ नहीं रहता है कि मैं इस कलाकार के साथ काम नहीं करूंगी। हाँ वो अलग बात है कि उन्हीं के अच्छे खासे जो दोस्त होते हैं दोस्त हैं जैसे खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू के माध्यम से बोला था कि मैं अब डिफेंडर पर चढ़ रहा हूं तो टेम्पू का शौक क्यों रखूं दरअसल ये काजल रघवानी के लिए बात उन्होंने मीडिया के सामने बोला था लेकिन दोस्तों काजल रघवानी एक अच्छी कलाकार हैं एक स्टार लेवल की कलाकार हैं और उनमें जो है कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि वो किसी के साथ भेदभाव करती हूं जी हाँ वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती हैं ओके सारि लाल यादव के साथ भी कंफर्टेबल थी जय यादव के साथ भी कंफर्टेबल है और जो नए कलाकार आए हैं जो नए कलाकारों के साथ उनको देखा गया है फिल्मों में तो उनके साथ भी वो कंफर्ट जोन प्राप्त कर लेती हैं कंफर्ट महसूस करती हैं अब बिना झिझक के वो फिल्मों में काम कर लेती हैं एज़ लीड एक्ट्रेस के तौर पे जी हां दोस्तों तो काजल राघवानी जो है इस फिल्म में उनके को एक्टर होने वाले हैं जय यादव जो कि एक दिन की सास फिल्म में ये लोग दिखे थे और काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी एक दिन की सास जो कि एक दिन के लिए जो है काजल रघवानी सास बनती है क्योंकि जो उनकी सास होती हैं उनको काफ़ी टॉर्चर करती हैं काफ़ी उनको उत्पीड़न करती हैं जिसके वजह से वो दुख को सह नहीं पाती एकदम से वो तनाव में आ जाने के बाद जो है ये फैसला लेती हैं कोर्ट का कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं और कोर्ट जो है उनको इंसाफ दिलाने के लिए काम तो करता ही है लेकिन झूठी गवाही की वजह से काजल राघवानी फंसती चली जाती हैं आखिर वो करे तो करे क्या इसी तरह की कहानी दिखाई गई है हालांकि कोर्ट उनको एक दिन का सास बनने का मौका देता है और इन लोगों की आ, जो ये बोले वो करने की मौका देता है जिसके वजह से जो है दोस्तों सब चीज़ें ठीक होती हैं तो काजल राघवानी जो है दोस्तों वो इसमें फिट आती हैं और एक दिन की सास फिल्म अच्छी खासी थी उस फिल्म ने भी अच्छे खासे टीआरपी जीआरपी हासिल किए थे उस फिल्म की भी चर्चाएं काफ़ी ज़ोरों शोरों से हुई थी यूट्यूब पे भी वो फिल्म अभी अवेलेबल नहीं है मौजूद नहीं है हालांकि उस फिल्म के छोटे छोटे क्लिप्स अभी यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर हम बात करें इस फिल्म ये जो ननद भाऊजाई है इसके बारे में तो ये तो एक पारिवारिक फिल्म है ही ननद भाऊजाई, यानी ननद इनकी तीन ननद होती हैं और ये एक भऊजाई होती हैं दरअसल जो काजल रघवानी होती हैं इनको ये चिंता होने लगती है कि ये जो ननद लोग हैं इनको ना खाना बनाने आता है ना कुछ करने आता है तो ये अपने ससुराल जाकर अपने घर को कैसे संभालेंगी दरअसल यही बात वो अपने सास से बता रही होती हैं और ये लोग सुन लेती हैं और घर में जो है तबाही मच जाता है धीरे धीरे चीज़ें खराब होने लगती हैं तो मैं आपको डीपली इस फिल्म की कहानी भी इस वीडियोस के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं तो डायरेक्टर मंजुल ठाकुर हैं स्टोरी जो है कहानी इस फिल्म के जो लेखक हैं अरविंद तिवारी हैं और स्क्रीन प्ले मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी का ही होने वाला है डायलॉग के लिए भी अरविंद तिवारी ही जाने जाएंगे दोस्तों इसमें म्यूजिक जो है ओम झा का होने वाला है गाने अच्छे अच्छे सुनने को मिलेंगे लिरिक्स अरविंद तिवारी का ही होगा सिनेमाटोग्राफी के लिए सुनील अहिर जाने जाएंगे एडिटर के लिए शमीर शेख डांस के लिए कानू मुखर्जी और सोनू प्रीतम जी आर्ट के लिए नाजीर शेख एक्सिक्यूटिव प्रोड्यूसर के लिए महेश उपाध्याय चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए पार्थ मिश्रा और प्रोडक्शन मैनेजर के लिए शिवम पांडे और मनोज उपाध्याय जी जाने जाएंगे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए लोटस स्टूडियो स्टील के लिए अरविंद शुक्ला ड्रेस डिजाइनर के लिए कविता सुनीता पब्लिशर के लिए उदय भगत रामचंद्र यादव जी जाने जाएंगे जी हाँ दोस्तों दोस्तों फिल्म अच्छा होने के साथ साथ एक पारिवारिक मुद्दा को भी लिया गया है भोजपुरी फ़िल्म की ये खासियत अच्छी लगती है ख़ास तौर पे जो भोजपुरिया दर्शक हैं उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के उनको इस तरह की कहानियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि बिहार में अक्सर घर के मामलों को झगड़ों को हमेशा से देखने को मिलता है भोजपुरी में इसमें बताया गया है ननद भाजाई का जो रिश्ता होता है वो अक्सर बिहार में देखा जाता है कि सिर्फ झगड़े ही हो रहे होते हैं वहाँ पे दिखाया जाता है कि सिर्फ झगड़े ही हो रहे होते हैं आपस में नहीं बनता उन्हीं चीज़ों को दोस्तों इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है और काजा रघवानी एक भाभी के रूप में भौजाई के रूप में आकर के उनको कैसे सुधारते हैं इन सभी चीज़ों को दिखाया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म की कहानी की शुरुआत काजा रघवानी से ही होती है काफ़ी गरीब परिवार की रहने वाली काजा रघवानी होती हैं उनकी शादी जो है जय यादव से फिक्स होती है और शादी हो जाती है वो अपने ससुराल आ जाती हैं और यहाँ का सब रवैया देख उनको थोड़ा दुख होता है कि मेरी जो ननद लोग हैं इतनी बड़ी बड़ी हैं और ना कोई घर का काम काज में हाथ बटाती हैं और ना ही कुछ करती हैं तो इनको जो है थोड़ा बुरा लगता है बट दोस्तों ये करे तो करे क्या ये अपनी सास को थोड़ा बहुत समझाती हैं बट उससे पहले उनकी जो ननद लोग होती हैं उनको थोड़ा सा बात बोल देने पे ऐसा लगता है कि उनका इंसल्ट हो रहा है हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है और तीन जो ननद होती हैं उसमें जो उनकी बड़ी होती हैं ननद दरअसल वो ब्याह गई होती हैं उनको कुछ काम धाम आता नहीं है कुछ ऐसा ढंग नहीं होता है ना खाना बनाने का ना कुछ करने का जिसके वजह से उनके हस्बैंड उनको उनके नैहर छोड़ कर के चले गए हुए होते हैं और दोस्तों जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है काफ़ी उलझनें उनके जीवन में आती हैं हालांकि वो इन सब से परे होती हैं उनको बस चाहिए होता है कि मुझे खाना मिल रहा है और सब कुछ चलो ठीक है उनको ऐसा लग रहा होता है पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं ये उनका भ्रम होता है तो इस तरह से ही ये ननद लोग जो है अपना चार डाल घर में बनाए रहती हैं और किसी तरह से जीवन जो है इन लोगों का बीत रहता है बीता रहता बीतता रहता है हालांकि जो दो उनकी छोटी ननद लोग होती हैं उनकी कहानी ये होती है कि वो कई सालों से दसवीं पास नहीं कर पाती हैं कई सालों से दसवीं में ही अटके रही रही होती हैं जिसके वजह से ये उलझन जो है कुछ ज्यादा ही पैदा होने लगता है और दोस्तों देखते ही देखते सभी को जो है आ, चिंता सताने लगती है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है और जब काजल लाघवानी आती हैं अपने ससुराल तो इनसे जो है और जलन उन लोगों को होने लगता है इनसे वो लोग द्वेष की भावना रखने लगते हैं हालांकि काजल लाघवानी इन सभी बातों को इग्नोर करके अपने काम में व्यस्त रहती हैं दरअसल वो अपने सासू माँ से कहती हैं कि मेरा जो फर्ज है वो तो मैं करूँगी ही जरा सोचिए इन लोगों को तो ससुराल जाना है ये वहां जाएंगी तो वहां कैसे इनका जीवन बीतेगा कहते ही घर बार सब चीजों को संभाल पाएंगे ये चिंता दरअसल एक बहु होने के नाते उनको भी होती है और ये लोग ये बातें वो लोग सुन लेती हैं उन लोगों को काफी बुरा लगता है और फिर क्या घर में जो है कलह चालू हो जाता है तमाम चीजें होती हैं घर में बात विवाद चा, लड़ाई झगड़ा यहाँ तक कि उनको घर से धक्के मार कर भी काजल राघवानी को निकाल दिया जाता है जय यादव आते हैं तो लाते हैं और तमाम घर में बात विवाद होते रहते हैं ये ननद भाजाई का मैटर में दोस्तों इसी तरह की कहानी इस फिल्म की होगी दोस्तों मैं एक और बात आपको बता दूं बात करें दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में तो प्रदीप पांडे चिंटू जो होते हैं वो काफ़ी अपने परिवार से लगाव और जुड़ कर रहने वाले व्यक्ति होते हैं इस फिल्म में दिखाया जाता है कि प्रदीप पांडे चिंटू अपने फैमिली के लिए हमेशा से समर्पित होते हैं अपनी फैमिली को कैसे खुश रखना है उनके अंदर ये कला हमेशा से देखी जाती है और सभी को खुश रखना घर में खुशी का माहौल बनाना ये हमेशा से वो प्रयास में लगे रहते हैं और ऐसा ही होता है सभी लोग घर के खुश रहते हैं प्रदीप पांडे चिंटू को बच्चों से काफी ज्यादा लगाव भी होता है दरअसल मामला और फिल्म का जो मोड़ है तब शुरू होता है और मोड़ तब ले लेता है कहानी जब पता चलता है कि बिहार और यूपी तमाम जगहों से बचिया यानी लड़की जो है गायब हो रही हैं और इसके पीछे किसका हाथ है और क्यों गायब हो रही हैं तो इस पर कोई कुछ खास फोकस नहीं होता है पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाता स्टार्टिंग uh, तब शुरू होती है कहानी की और प्रदीप पांडे चिंटू को बदलने uh, में बदली आती है जब uh, प्रदीप पांडे चिंटू की खुद उनकी बहन इस मामले के शिकार हो जाती है दरअसल इसके पीछे देव सिंह जो इस फिल्म के मुख्य विलन हैं उनका हाथ होता है वो अपने आप को रावण से कंपेयर करके आगे बढ़ना चाहते हैं और विलन का एक ऐसा निगेटिव किरदार निभा रहे हैं जो कि काफ़ी ही डरावना होने वाला है देव सिंह के रूप में देव सिंह वैसे तो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं लेकिन इस फिल्म में एक मुस्लिम के किरदार में होते हैं मुस्लिम कहने का मतलब ये नहीं कि मैं टारगेट करके बोल रहा हूँ मैं उनको बोल रहा हूँ जो इस फिल्म में दिखाया गया है और उनका काम यही होता है अच्छी घर की लड़कियों को आ, अपने ग्रुप के रखे लड़कों से फसवाना और उनका स्मगलिंग करना और उनको गलत सलत चीज़ों में धंधों में फंसाना यही उनका कार्य होता है दरअसल काफ़ी केस आने लगते हैं कि आखिर लड़कियां गायब कहां हो रही हैं कुछ अता पता नहीं चल रहा है और पुलिस भी इस आता पता लगा करके हार गई होती है उनके हाथ भी कुछ नहीं आता तो ये इस पर किसी को फो, ख़ास फोकस नहीं होता है लेकिन जब प्रदीप पांडे चिंटू के घर उनकी बहन का रिश्ता आता है दरअसल उनकी बहन किसी और से प्यार कर रही होती हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं करता तो अपने जान लेने वाली होती हैं हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू उस माहौल को सलटा कर उनको अच्छी बातें बताते हैं और फिर से एक नए जीवन की राह पे चलने का उनको बातें बताते हैं और वो मान भी जाती हैं खुश भी रहने लगती हैं तब उनकी शादी कराने की बारी आती है एक लड़के वाले आते हैं जो कि उनकी माँ और वो लड़का आता है उन लोगों को पसंद होती है यानी प्रदीप पांडे चिंटू की बहन पसंद होती है पसंद होने के बाद शादी विवाह भी होता है लेकिन बाद में पता चलता है कि जो लड़का होता है वो देव सिंह के गैंग का ही व्यक्ति होता है और वो शादी इसलिए किया होता है कि इसको मैं उस उनके अड्डे पे ही दे आऊँ या फिर कुछ ऐसे धंधे करवाऊँ तो बाद में प्रदीप पांडे चिंटू की बहन को पता चलता है तो उनको काफ़ी बुरा लगता है उनको तो ऐसा महसूस होता है कि मेरे पैर के नीचे जमीन ही खिसक गई इस तरह से लेकिन वो करे तो करे क्या काफ़ी उनको टॉर्चर किया जाता है और अंततः तो उनकी साथ गलत भी होता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है तब प्रदीप पांडे चिंटू को इन सारी बातों को पता चलता है तब वो जो है एक अलग ही रूप लेकर के समाज में उतरते हैं प्रदीप पांडे चिंटू और उनके गैंग के जो भी लोग होते हैं सभी को चुन चुन कर मारने लगते हैं पता लगाते हैं हालांकि पुलिस के द्वारा इनके ऊपर काफ़ी दबाव होने लगता है वांटेड के रूप में इनके पोस्टर लगाए जाते हैं जगह जगह लेकिन पोस्टर लगाने के बावजूद भी जो समाज गांव और शहर के लोग होते हैं वो प्रदीप पांडे चिंटू को हीरो मानने लगते हैं क्योंकि वो अच्छे कार्य कर रहे होते हैं हालांकि उनका करने का तरीका गलत हो सकता है लेकिन जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं इस तरह से मानना शहर वालों का होता है इसी तरह की कहानी दोस्तों इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं एक और बात आपको बता दूँ यूट्यूब पे भी वो फिल्म अभी अवेलेबल नहीं है मौजूद नहीं है हालांकि उस फिल्म के छोटे छोटे क्लिप्स अभी यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगर हम बात करें इस फिल्म ये जो ननद भाऊजाई है इसके बारे में तो ये तो एक पारिवारिक फिल्म है ही ननद भाऊजाई, यानी ननद इनकी तीन ननद होती हैं और ये एक भूजाई होती हैं दरअसल जो काजल रघवानी होती हैं इनको ये चिंता होने लगती है ये जो ननद लोग हैं इनको ना खाना बनाने आता है ना कुछ करने आता है तो ये अपने ससुराल जाकर अपने घर को कैसे संभालेंगी दरअसल यही बात वो अपने सास से बता रही होती हैं और ये लोग सुन लेती हैं और घर में जो है तबाही मच जाता है धीरे धीरे चीज़ें खराब होने लगती हैं तो मैं आपको डीपली इस फिल्म की कहानी भी इस वीडियोस के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं तो डायरेक्टर मंजुल ठाकुर हैं स्टोरी जो है कहानी इस फिल्म के जो लेखक हैं अरविंद तिवारी हैं और स्क्रीन प्ले मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी का ही होने वाला है डायलॉग के लिए भी अरविंद तिवारी ही जाने जाएंगे दोस्तों इसमें म्यूजिक जो है ओम झा का होने वाला है गाने अच्छे अच्छे सुनने को मिलेंगे लिरिक्स अरविंद तिवारी का ही होगा सिनेमाटोग्राफी के लिए सुनील अहिर जाने जाएंगे एडिटर के लिए समीर शेख डांस के लिए कानू मुखर्जी और सोनू प्रीतम जी आर्ट के लिए नाजीर शेख एक्सिक्यूटिव प्रोड्यूसर के लिए महेश उपाध्याय चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए पार्थ मिश्रा और प्रोडक्शन मैनेजर के लिए शिवम पांडे और मनोज उपाध्याय जी जाने जाएंगे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए लोटस स्टूडियो स्टील के लिए अरविंद शुक्ला ड्रेस डिजाइनर के लिए कविता सुनीता पब्लिशर के लिए उदय भगत रामचंद्र यादव जी जाने जाएंगे जी हाँ दोस्तों दोस्तों फिल्म अच्छा होने के साथ साथ एक पारिवारिक मुद्दा को भी लिया गया है भोजपुरी फ़िल्म की ये खासियत अच्छी लगती है ख़ास तौर पे जो भोजपुरिया दर्शक हैं उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के उनको इस तरह की कहानियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि बिहार में अक्सर घर के मामलों को झगड़ों को हमेशा से देखने को मिलता है भोजपुरी में इसमें बताया गया है ननद भाजाई का जो रिश्ता होता है वो अक्सर बिहार में देखा जाता है कि सिर्फ झगड़े ही हो रहे होते हैं वहां पे दिखाया जाता है कि सिर्फ झगड़े ही हो रहे होते हैं आपस में नहीं बनता उन्हीं चीज़ों को दोस्तों इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है और काजा रघवानी एक भाभी के रूप में भाजाई के रूप में आकर के उनको कैसे सुधारते हैं इन सभी चीजों को दिखाया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म की कहानी की शुरुआत काजा से सही होती है काफ़ी गरीब परिवार की रहने वाली काजा राघवानी होती हैं उनकी शादी जो है जय यादव से फिक्स होती है और शादी हो जाती है वो अपने ससुराल आ जाती हैं और यहाँ का सब रवैया देख उनको थोड़ा दुख होता है कि मेरी जो ननद लोग हैं इतनी बड़ी बड़ी हैं और ना कोई घर का काम काज में हाथ बटाती हैं और ना ही कुछ करती हैं तो इनको जो है थोड़ा बुरा लगता है बट दोस्तों ये करे तो करे क्या ये अपनी सास को थोड़ा बहुत समझाती हैं बट उससे पहले उनकी जो ननद लोग होती हैं उनको थोड़ा सा बात बोल देने पे ऐसा लगता है कि उनका इंसल्ट हो रहा है हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है और तीन जो ननद होती हैं उसमें जो उनकी बड़ी होती हैं ननद दरअसल वो ब्याह गई होती हैं उनको कुछ काम धाम आता नहीं है कुछ ऐसा ढंग नहीं होता है ना खाना बनाने का ना कुछ करने का जिसके वजह से उनके हस्बैंड उनको उनके नैहर छोड़ करके चले गए हुए होते हैं और दोस्तों जिसके वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है काफ़ी उलझनें उनके जीवन में आती हैं हालांकि वो इन सब से परे होती हैं उनको बस चाहिए होता है कि मुझे खाना मिल रहा है और सब कुछ चलो ठीक है उनको ऐसा लग रहा होता है पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं ये उनका भ्रम होता है तो इस तरह से ही ये ननद लोग जो है अपना चार डाल घर में बनाए रहते हैं और किसी तरह से जीवन जो है इन लोगों का बीत रहता है बीता रहता बीतता रहता है हालांकि जो दो उनकी छोटी ननद लोग होती हैं उनकी कहानी ये होती है कि वो कई सालों से दसवीं पास नहीं कर पाती हैं कई सालों से दसवीं में ही अटकी रही रही होती हैं जिसके वजह से ये उलझन जो है कुछ ज्यादा ही पैदा होने लगता है और दोस्तों देखते ही देखते सभी को जो है आ, चिंता सताने लगती है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है और जब काजल लाघवानी आती हैं अपने ससुराल तो इनसे जो है और जलन उन लोगों को होने लगता है इनसे वो लोग द्वेष की भावना रखने लगते हैं हालांकि काजल राघवानी इन सभी बातों को इग्नोर करके अपने काम में व्यस्त रहती हैं दरअसल वो अपने सासू माँ से कहती हैं कि मेरा जो फर्ज है वो तो मैं करूँगी ही जरा सोचिए इन लोगों को तो ससुराल जाना है ये वहां जाएंगे तो वहां कैसे इनका जीवन बीतेगा कहते हैं घर बार सब चीजों को संभाल पाएंगे ये चिंता दरअसल एक बहू होने के नाते उनको भी होती है और ये लोग ये बातें वो लोग सुन लेती हैं उन लोगों को काफी बुरा लगता है और फिर क्या घर में जो है कलह चालू हो जाता है तमाम चीजें होती हैं घर में बात विवाद लड़ाई झगड़ा यहाँ तक कि उनको घर से धक्के मार कर भी काजल रघवानी को निकाल दिया जाता है जय जा यादव आते हैं तो लाते हैं और तमाम घर में बात विवाद होते रहते हैं ये ननद भाजाई का मैटर में दोस्तों इसी तरह की कहानी इस फिल्म की होगी दोस्तों मैं एक और बात आपको बता दूँ बचिया यानी लड़की जो है गायब हो रही हैं और इसके पीछे किसका हाथ है और क्यों गायब हो रही हैं तो इस पे कोई कुछ खास फोकस नहीं होता है पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाता स्टार्टिंग तब शुरू होती है कहानी की और प्रदीप पांडे चिंटू को बदलने आ, में बदली आती है जब प्रदीप पांडे चिंटू की खुद उनकी बहन इस मामले के शिकार हो जाती है दरअसल इसके पीछे देव सिंह जो इस फिल्म के मुख्य विलन है उनका हाथ होता है वो अपने आप को रावण से कंपेयर करके आगे बढ़ना चाहते हैं और विलेन का एक ऐसा निगेटिव किरदार निभा रहे हैं जो कि काफ़ी ही डरावना होने वाला है देव सिंह के रूप में देव सिंह वैसे तो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं लेकिन इस फिल्म में एक मुस्लिम के किरदार में होते हैं मुस्लिम कहने का मतलब ये नहीं कि मैं टारगेट करके बोल रहा हूँ मैं उनको बोल रहा हूँ जो इस फिल्म में दिखाया गया है और उनका काम यही होता है अच्छी घर की लड़कियों को अपने ग्रुप के रखे लड़कों से फंसवाना और उनका स्मगलिंग करना और उनको गलत सलत चीज़ों में धंधों में फंसाना यही उनका कार्य होता है दरअसल काफ़ी केस आने लगते हैं कि आखिर लड़कियां गायब कहां हो रही हैं कुछ अता पता नहीं चल रहा है और पुलिस भी इस आता पता लगा करके हार गई होती है उनके हाथ भी कुछ नहीं आता तो ये इस पर किसी को फो, आ, खास फोकस नहीं होता है लेकिन जब प्रदीप पांडे चिंटू के घर उनकी बहन का रिश्ता आता है दरअसल उनकी बहन किसी और से प्यार कर रही होती हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं करता तो अपने जान लेने वाली होती हैं हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू उस माहौल को सलटा कर उनको अच्छी बातें बताते हैं और फिर से एक नए जीवन पर राह पे चलने का उनको बातें बताते हैं और वो मान भी जाती हैं खुश भी रहने लगती हैं तब उनकी शादी कराने की बारी आती है एक लड़के वाले आते हैं जो कि उनकी माँ और वो लड़का आता है उन लोगों को पसंद होती है यानी प्रदीप पांडे चिंटू की बहन पसंद होती है पसंद होने के बाद शादी विवाह भी होता है लेकिन बाद में पता चलता है कि जो लड़का होता है वो देव सिंह के गैंग का ही व्यक्ति होता है और वो शादी इसलिए किया होता है कि इसको मैं उस उनके अड्डे पे ही दे आऊँ या फिर कुछ ऐसे धंधे करवाऊँ तो बाद में प्रदीप पांडे चिंटू की बहन को पता चलता है तो उनको काफ़ी बुरा लगता है उनको तो ऐसा महसूस होता है कि मेरे पैर के नीचे ज़मीन ही खिसक गई इस तरह से लेकिन वो करे तो करे क्या काफ़ी उनको टॉर्चर किया जाता है और अंततः तो उनकी साथ गलत भी होता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है तब प्रदीप पांडे चिंटू को इन सारी बातों को पता चलता है तब वो जो है एक अलग ही रूप लेकर के समाज में उतरते हैं प्रदीप पांडे चिंटू और उनके गैंग के जो भी लोग होते हैं सभी को चुन चुन कर मारने लगते हैं पता लगाते हैं हालांकि पुलिस के द्वारा इनके ऊपर काफ़ी दबाव होने लगता है वांटेड के रूप में इनके पोस्टर लगाए जाते हैं जगह जगह लेकिन पोस्टर लगाने के बावजूद भी जो समाज गांव और शहर के लोग होते हैं वो प्रदीप पांडे चिंटू को हीरो मानने लगते हैं क्योंकि वो अच्छे कार्य कर रहे होते हैं हालांकि उनका करने का तरीका गलत हो सकता है लेकिन जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं इस तरह से मानना शहर वालों का होता है इसी तरह की कहानी दोस्तों इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मैं एक और बात आपको बता दूंग आपको बताने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं तो डायरेक्टर मंजुल ठाकुर हैं स्टोरी जो है कहानी इस फिल्म के जो लेखक हैं अरविंद तिवारी हैं और स्क्रीन प्ले मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी का ही होने वाला है डायलॉग के लिए भी अरविंद तिवारी ही जाने जाएंगे दोस्तों इसमें म्यूजिक जो है ओम झा का होने वाला है गाने अच्छे अच्छे सुनने को मिलेंगे लिरिक्स अरविंद तिवारी का ही होगा सिनेमाटोग्राफी के लिए सुनील अहिर जाने जाएंगे एडिटर के लिए समीर शेख डांस के लिए कानूब मुखर्जी और सोनू प्रीतम जी आर्ट के लिए नाजीर शेख एक्सिक्यूटिव प्रोड्यूसर के लिए महेश उपाध्याय चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए पार्थ मिश्रा और प्रोडक्शन मैनेजर के लिए शिवम पांडे और मनोज उपाध्याय जी जाने जाएंगे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए लोटस स्टूडियो स्टील के लिए अरविंद शुक्ला ड्रेस डिजाइनर के लिए कविता सुनीता पब्लिशर के लिए उदय भगत रामचंद्र यादव जी जाने जाएंगे जी हाँ दोस्तों दोस्तों फिल्म अच्छा होने के साथ साथ एक पारिवारिक मुद्दा को भी लिया गया है भोजपुरी फ़िल्म की ये खासियत अच्छी लगती है ख़ास तौर पे जो भोजपुरिया दर्शक हैं उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के उनको इस तरह की कहानियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि बिहार में अक्सर घर के मामलों को झगड़ों को हमेशा से देखने को मिलता है भोजपुरी में इसमें बताया गया है ननद भाजाई का जो रिश्ता होता है वो अक्सर बिहार में देखा जाता है कि सिर्फ झगड़े ही हो रहे होते हैं वहाँ पे दिखाया जाता है कि सिर्फ झगड़े ही हो रहे होते हैं आपस में नहीं बनता उन्हीं चीज़ों को दोस्तों इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है और काजा रघवानी एक भाभी के रूप में भौजाई के रूप में आकर के उनको कैसे सुधारते हैं इन सभी चीज़ों को दिखाया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म की कहानी की शुरुआत काजा रघवानी से ही होती है काफ़ी गरीब परिवार की रहने वाली काजा रघवानी होती हैं उनकी शादी जो है जय यादव से फिक्स होती है और शादी हो जाती है वो अपने ससुराल आ जाती हैं और यहाँ का सब रवैया देख उनको थोड़ा दुख होता है कि मेरी जो ननद लोग हैं इतनी बड़ी बड़ी हैं और ना कोई घर का काम काज में हाथ बटाती हैं और ना ही कुछ करती हैं तो इनको जो है थोड़ा बुरा लगता है बट दोस्तों ये करे तो करे क्या ये अपनी सास को थोड़ा बहुत समझाती हैं बट उससे पहले उनकी जो ननद लोग होती हैं उनको थोड़ा सा बात बोल देने पे ऐसा लगता है कि उनका इंसल्ट हो रहा है हालाँकि ऐसा कुछ होता नहीं है और तीन जो ननद होती हैं उसमें जो उनकी बड़ी होती हैं ननद, दरअसल वो ब्याह गई होती हैं उनको कुछ काम धाम आता नहीं है कुछ ऐसा ढंग नहीं होता है ना खाना बनाने का ना कुछ करने का जिसके वजह से उनके हस्बैंड उनको उनके नैहर छोड़ करके चले गए हुए होते हैं और दोस्तों जिसके वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है काफ़ी उलझने उनके जीवन में आती हैं हालांकि वो इन सब से परे होती हैं उनको बस चाहिए होता है कि मुझे खाना मिल रहा है और सब कुछ चलो ठीक है उनको ऐसा लग रहा होता है पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं ये उनका भ्रम होता है तो इस तरह से ही ये ननद लोग जो हैं अपना चार डाल घर में बनाए रहती हैं और किसी तरह से जीवन जो है इन लोगों का बीत रहता है बीता रहता बीतता रहता है हालांकि जो दो उनकी छोटी ननद लोग होती हैं उनकी कहानी ये होती है कि वो कई सालों से दसवीं पास नहीं कर पाती हैं कई सालों से दसवीं में ही अटके रही रही होती हैं जिसके वजह से ये उलझन जो है कुछ ज्यादा ही पैदा होने लगता है और दोस्तों देखते ही देखते सभी को जो है आ, चिंता सताने लगती है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है और जब काजल अगवानी आती हैं अपने ससुराल तो इनसे जो है और जलन उन लोगों को होने लगता है इनसे वो लोग द्वेष की भावना रखने लगते हैं हालांकि काजल अगवानी इन सभी बातों को इग्नोर करके अपने काम में व्यस्त रहती हैं दरअसल वो अपने सासू माँ से कहती हैं कि मेरा जो फर्ज है वो तो मैं करूँगी ही जरा सोचिए इन लोगों को तो ससुराल जाना है ये वहां जाएंगी तो वहां कैसे इनका जीवन बीतेगा कहते ही घर बार सब चीजों को संभाल पाएंगे ये चिंता दरअसल एक बहू होने के नाते उनको भी होती है और ये लोग ये बातें वो लोग सुन लेती हैं उन लोगों को काफी बुरा लगता है और फिर क्या घर में जो है कलह चालू हो जाता है तमाम चीजें होती हैं घर में बात विवाद छा, लड़ाई झगड़ा यहाँ तक कि उनको घर से धक्के मार कर भी काजल रघवानी को निकाल दिया जाता है जय यादव आते हैं तो लाते हैं और तमाम घर में बात विवाद होते रहते हैं ये ननद भाजाई का मैटर में दोस्तों इसी तरह की कहानी इस फिल्म की होगी दोस्तों मैं एक और बात आपको बता दू बात करें दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में तो प्रदीप पांडे चिंटू जो होते हैं वो काफ़ी अपने परिवार से लगाव और जुड़ कर रहने वाले व्यक्ति होते हैं इस फिल्म में दिखाया जाता है कि प्रदीप पांडे चिंटू अपने फैमिली के लिए हमेशा से समर्पित होते हैं अपनी फैमिली को कैसे खुश रखना है उनके अंदर ये कला हमेशा से देखी जाती है और सभी को खुश रखना घर में खुशी का माहौल बनाना ये हमेशा से वो प्रयास में लगे रहते हैं और ऐसा ही होता है सभी लोग घर के खुश रहते हैं और प्रदीप पांडे चिंटू को बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव भी होता है दरअसल मामला और फिल्म का जो मोड़ है तब शुरू होता है और मोड़ तब ले लेता है कहानी जब पता चलता है कि बिहार और यूपी तमाम जगहों से बचिया यानी लड़की जो है गायब हो रही हैं और इसके पीछे किसका हाथ है और क्यों गायब हो रही हैं तो इस पर कोई कुछ खास फोकस नहीं होता है पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाता स्टार्टिंग तब शुरू होती है कहानी की और प्रदीप पांडे चिंटू को बदलने आ, में बदली आती है जब प्रदीप पांडे चिंटू की खुद उनकी बहन इस मामले के शिकार हो जाती है दरअसल इसके पीछे देव सिंह जो इस फिल्म के मुख्य विलन हैं उनका हाथ होता है वो अपने आप को रावण से कंपेयर करके आगे बढ़ना चाहते हैं और विलन का एक ऐसा निगेटिव किरदार निभा रहे हैं जो कि काफ़ी ही डरावना होने वाला है देव सिंह के रूप में देव सिंह वैसे तो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं लेकिन इस फिल्म में एक मुस्लिम के किरदार में होते हैं मुस्लिम कहने का मतलब ये नहीं कि मैं टारगेट करके बोल रहा हूँ मैं उनको बोल रहा हूँ जो इस फिल्म में दिखाया गया है और उनका काम यही होता है अच्छी घर की लड़कियों को आ, अपने ग्रुप के रखे लड़कों से फंसवाना और उनका स्मगलिंग करना और उनको गलत सलत चीज़ों में धंधों में फंसाना यही उनका कार्य होता है दरअसल काफ़ी केस आने लगते हैं कि आखिर लड़कियां गायब कहां हो रही हैं कुछ अता पता नहीं चल रहा है और पुलिस भी इस आता पता लगा करके हार गई होती है उनके हाथ भी कुछ नहीं आता तो ये इस पर किसी को फो, आ, खास फोकस नहीं होता है लेकिन जब प्रदीप पांडे चिंटू के घर उनकी बहन का रिश्ता आता है दरअसल उनकी बहन किसी और से प्यार कर रही होती हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं करता तो अपने जान लेने वाली होती हैं हालांकि प्रदीप पांडे चिंटू उस माहौल को सलटा कर उनको अच्छी बातें बताते हैं और फिर से एक नए जीवन पर राह पे चलने का उनको बातें बताते हैं और वो मान भी जाती हैं खुश भी रहने लगती हैं तब उनकी शादी कराने की बारी आती है एक लड़के वाले आते हैं जो कि उनकी माँ और वो लड़का आता है उन लोगों को पसंद होती है यानी प्रदीप पांडे चिंटू की बहन पसंद होती है पसंद होने के बाद शादी विवाह भी होता है लेकिन बाद में पता चलता है कि जो लड़का होता है वो देव सिंह के गैंग का ही व्यक्ति होता है और वो शादी इसलिए किया होता है कि इसको मैं उस उनके अड्डे पे ही दे आऊँ या फिर कुछ ऐसे धंधे करवाऊँ तो बाद में प्रदीप पांडे चिंटू की बहन को पता चलता है तो उनको काफ़ी बुरा लगता है उनको तो ऐसा महसूस होता है कि मेरे पैर के नीचे ज़मीन ही खिसक गई इस तरह से लेकिन वो करे तो करे क्या काफ़ी उनको टॉर्चर किया जाता है और अंततः तो उनकी साथ गलत भी होता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है तब प्रदीप पांडे चिंटू को इन सारी बातों को पता चलता है तब वो जो है एक अलग ही रूप लेकर के समाज में उतरते हैं प्रदीप पांडे चिंटू और उनके गैंग के जो भी लोग होते हैं सभी को चुन चुन कर मारने लगते हैं पता लगाते हैं हालांकि पुलिस के द्वारा इनके ऊपर काफ़ी दबाव होने लगता है वांटेड के रूप में इनके पोस्टर लगाए जाते हैं जगह जगह लेकिन पोस्टर लगाने के बावजूद भी जो समाज गांव और शहर के लोग होते हैं वो प्रदीप पांडे चिंटू को हीरो मानने लगते हैं क्योंकि वो अच्छे कार्य कर रहे होते हैं हालांकि उनका करने का तरीका गलत हो सकता है लेकिन जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं